इस सदी का सबसे बड़ा काम हुआ है और सभी लोगों का, सभी राम भक्तों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। 22 तारीख को रामलला का पट खुलने जा रहा है, सबके लिए खुल जाएगा और हम लोगों के लिए तो सबसे हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ही था कि हमें राम मंदिर का निर्माण कराना है। हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनका तो सपना ही था, वो जब पढ़ाई करते थे उसी दौरान राम मंदिर निर्माण से जो जुड़े थे वहीं से शुरुआत हुई उनकी, और फिर आगे वो राजनीति में भी आए और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बड़ा काम हुआ। सर, आपका एक गाना वायरल हो रहा है जो मोदी जी पर है, 400 सीट का क्या? हाँ, वो गाना अभी जस्ट आया है, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। सर, एक डीएमके के सांसद हैं उदय निधि, उनका कहना है कि यूपी और बिहार के लोग तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं, ये बहुत ही बेमानी है। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अगर मेहनती हैं, कर्मठ हैं और आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, यूपी बिहार के लोग कहीं भीख तो नहीं मांगते ना, काम ही करते हैं ना, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं जब गया था बिग बॉस में तो मैं वहाँ टॉयलेट साफ करता था जी। क्या दिक्कत है, जो काम आदमी को मिले वो काम करना चाहिए जी। सर, एक अंतिम सवाल, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला कोर्ट में चल रहा है और काशी विश्वनाथ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मामला तो कोर्ट में है, लेकिन क्या मामला कोर्ट में है और मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद जो भी माननीय कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। राम मंदिर पे जो आप दी गए वो एनआई पे भी हम चाहेंगे कि एजेंसी पे भी। राम मंदिर के लिए जो मेरे मन से गीत निकलता है वो यही निकलता है कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को ना माने वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, और कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। भैया, राम मंदिर का देख कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसको लेकर क्या? लंबे समय से इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था और मुझे तो बचपन से इंतजार था कि कब ये होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश का, इस सदी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है और हम लोग तो बहुत खुश हैं और फाइनली जो है, जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम का पट खुल रहा है, पूरे दुनिया में हर्ष का माहौल है। विपक्ष को भी निमंत्रण जा रहा है, विपक्ष भी तैयार रहने को? हाँ, विपक्ष को तो सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग राम की महिमा को समझते हैं वो तो राम का मंदिर बनाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, पर विपक्ष जो राम मंदिर के विरोध में बात करता था, रामचरितमानस के विरोध में बात करता था, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को भी जाना चाहिए? निश्चित रूप से जाना चाहिए और मुझे लगता है जो कहा जाता है, हम में तुम में खड़कम में सब में व्यापी राम, तो चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे भाजपा का आदमी हो, चाहे बसपा का आदमी हो, राम तो सब में बसते हैं। अब उस राम के दर्शन करने के लिए हर किसी को जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार सेवा के दौरान गोलियां चलाई गई मुलायम सिंह के द्वारा, लगातार कई कार सेवकों की जान भी गई, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को निमंत्रण देना? और हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उस समय समझते तो नहीं गोली चलाते, तो कभी भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए उनको बुलाना ही चाहिए, उनको जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि प्रभु श्री राम की क्या महिमा है, प्रभु श्री राम कौन है। जहाँ पूरे दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है वहाँ से फिर श्री राम का ज्ञान शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए 100%। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक फिर भी आज विवादित बयान दिया है कि हिंदू कोई जात नहीं है और इसमें जो है लोग पहले भी FIR भी करवाते रहे हैं
और इस पे पहले भी लोग बयान देते रहे हैं, क्या कहने थे? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमता है, वो उनकी समझ है, पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अध्यात्म और ध्यान साधना पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो झूठ है, सच तो सिर्फ राम है। और ये चीज़ आप सब ने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है तो पीछे सब लोग एक ही बात कहते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, राम नाम सत्य है। तो ये राम नाम सत्य है, मरने के बाद पता चले उसके बढ़िया है, उससे अच्छा है कि पहले ही जान जाए तो बढ़िया रहेगा। इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है 2024 की तैयारी को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि वो कितना भी बैठक कर लें उनसे कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को तो पता है, एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार भी श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये लोग गठबंधन तो बना लिए हैं पर इनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो पहले वो चेहरा तय कर लेते तो उनको लड़ने में थोड़ी आसानी होती, पर वो उनसे होगा नहीं, क्योंकि वही बात है कि सब लुटेरे मिल करके चाह रहे हैं कि हम लोग जो है एक ईमानदार प्रधानमंत्री को रोकें। पर ये देश जाग चुका है, ये देश जान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो अब ये देश किसी भी भटकावे में भुलावे में नहीं आने वाला है। और मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि विपक्ष जो है, विपक्ष ईवीएम का रोना रोते रह जाएंगे, बचे खुचे जो किले हैं उनके सब ढह जाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। कुश्ती संघ कितने लंबित किया गया है, क्या लगता है सही फैसला लिया गया कुश्ती संघ को इस तरह से पद्मश्री अवार्ड वापसी के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया? कोई भी सरकार जब कुछ निर्णय लेती है और देश हित में लेती है तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश हित में ही लेगी, जनता के हित में ही लेगी। आप भोजपुरी गायक हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, कुछ अपने अपने आवाज में कुछ? मैं प्रभु श्री राम का जब मंदिर खुलने जा रहा है तो मेरे मन में तो बस एक ही गाना आजकल चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस बात से पूरी दुनिया सहमत होगी कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। अगर जो इस्लाम को नहीं मानता हो उससे किसी भी तरह से मुसलमान कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। तो कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, और कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं। हिंदू पैदा होकर, हिंदू होकर हुए अयोध्या धाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम।